सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अंकिता एजू ब्लॉग से। तो आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आप प्लेस वैल्यू से क्या समझते हैं कि प्लेस वैल्यू कि कोई नंबर किस प्लेस पे है, उसकी क्या वैल्यू है या उस किस वैल्यू की प्लेस पे वो नंबर है ना। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 39, है ना। अब देखो 0 to 9 से हमारे वन डिजिट के नंबर्स रहते हैं, तो ऑब्वियस है कि जिनको हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलेंगे तो वो वंस, वन डिजिट का नंबर है तो वंस की प्लेस पे होगा। और हमेशा प्लेस वैल्यू जो है वो हम राइट साइड से देखते हैं, और हम नंबर को जिस तरीके से बोलते हैं उसी तरीके से हम उसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। जैसे सिमिलरली आप ये देखिए कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, 39, तो हमें ये अपने आप पता लग रहा है कि 30 plus 9 39, है ना। तो अब 30 plus 9 39 है, तो ऑब्वियस है कि हम ये 9 बोल रहे हैं तो ये वन डिजिट का नंबर है और वंस वाली लाइन में आ रहा है 0 to 9 में, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, ये 39 में 9 की वंस, है ना। और 30 में अपने आप टेंस है, देखिए 30, जब हम 10 को 3 बार ऐड करेंगे तब हमारा 30 बनेगा। तो ये कितने 3 जो है वो किस प्लेस पे हो गया, टेंस प्लेस पे, मतलब 39 में 3 टेंस हैं। एक मिनट मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ क्लियर करके, मतलब 39 में 3 टेंस हैं, है ना। 30 में 10 को हम 3 बार ज्वाइन करेंगे तब 30 बनेगा, और 9 जो है वो वंस है, है ना। सिमिलरली अगर हम 339 कर लें, तो देखिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, 300 plus 30 plus 9, हमने इसको क्या किया, एक्सपेंड कर लिया। तो ऑब्वियस है कि 9 सिंगल डिजिट है तो ये वंस की प्लेस पे है, 30 में टेंस आ रहा है 30 ये टेंस की डिजिट पे है तो ये टेंस की प्लेस पे हो गया। और इसको तो हम बोली 300 रहे हैं तो ये 100 की प्लेस पे है तो ये 100 की प्लेस पे हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही अगर हम इसमें एक डिजिट और जोड़ लें 4, तब हम इसको क्या रीड करेंगे, 4339, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसमें 4000 plus 300 plus 30 plus 9, है ना, यही तो हो जाएगा। तो फिर ये अगर ये वंस की प्लेस पे है क्योंकि हम इसको क्या रीड कर रहे हैं, 9 0 to 9 के बीच में है ये। जैसे हमारा 10 आता है 10 के बाद 10 से 99 तक, इसको हम क्या रीड कर रहे हैं, 30, इसमें क्या है 3 टेंस हैं तो ये टेंस की प्लेस हो गई, है ना। रुको मैं क्लियर करके बताती हूँ आपको, तो ये टेंस की प्लेस हो गई, ये क्या हो गया वंस, है ना, ये क्या हो गया, हम इसको क्या रीड कर रहे हैं, 30 बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया टेंस, और ये 300 है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं 300, तो ये 100 एंड ये 4000 तो ये 1000। तो देखिए आप कितना सिंपल है प्लेस वैल्यू को पता करना कि हम जो नंबर को जैसे रीड करते हैं। अब एक होती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर इट्सेल्फ होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे 4339 है तो इसमें 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, अब इसमें तो 2 3 हैं तो एक 3 हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगी। अब 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही रहेगी। 9 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 ही रहेगी। तो फेस वैल्यू जो है वो नंबर खुद ही होता है, ओके। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है अंकिता एजू व्लॉग्स। प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी।